हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में मेनली हम लोग ऐसे टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे जो कि सभी के लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आजकल इतनी ज़्यादा प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं जो कि सिर्फ कुछ गलतियों के कारण हो रही है, जिसकी जानकारी नहीं होने के कारण महिलाओं के द्वारा कुछ गलतियाँ हो जाती हैं। तो वो सारी बातों को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो में हम लोग उन सभी दवाइयों के बारे में बात करेंगे जो कि सुरक्षित होते हैं, सेफ़ होते हैं और कुछ अनसेफ होते हैं प्रेगनेंसी के टाइम में, ठीक है। तो उन्हें खाना चाहिए जो कि हमारे लिए सेफ़ हो, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन सी दवाइयाँ जो हैं वो सेफ़ मानी जाती हैं, ठीक। तो इसमें एंटीबायोटिक्स भी हो सकते हैं, कुछ हर्ट रिलेटेड मेडिसिन भी हो सकते हैं, बहुत सारी मेडिसिन इसमें हैं। तो वो सारी बात, सारी दवाइयों के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे और आप जो है ध्यान से सुनिएगा इसे। और इसमें देखिए हमारी कुछ दवाइयाँ जो हैं वो सेफ़ हैं, जो कंसीडर की जाती हैं कि वो हमारे लिए सेफ़ हैं, ठीक, जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं। तो पहला क्या है हमारा, पेनिसिलिन है। पेनिसिलिन जो है वो प्रेगनेंसी के टाइम खा सकते हैं। दूसरा मैक्रोलाइड्स हैं। तीसरा LMWH है। चौथा हमारा एस्पिरिन है। पांचवा लोबेटालोल है। उसके बाद निफेडिपाइन है। तो निफेडिपाइन, एडेनोसाइन, प्रेडनिसोलोन, सेलब्यूटामोल, इप्राट्रोपियम, एमिनोफाइलिन, ल्यूकोट्रीन एंटागोनिस्ट, यानी इसमें से कुछ दवाइयाँ दर्द की हैं, कुछ गैस की हैं, कुछ एंटीबायोटिक्स हैं, ठीक है। तो ये सारी जो दवाइयाँ हैं, कुछ अस्थमेटिक दवाइयाँ हैं लंग्स रिलेटेड दिक्कत के लिए, कुछ हार्ट अटैक से रिलेटेड दिक्कत के लिए, ठीक है, यानी कुछ ऐसे हैं जिसमें आपका एरिदमिया हो गया है, हार्ट रेट जो है वो बदल जा रहा है आपका, कुछ दिक्कतें हो जा रही हैं, कभी बढ़ जा रहा है, घट जा रहा है, तो उन्हें बैलेंस करने के लिए दवाइयाँ हैं। तो इनमें कुछ कुछ दवाइयाँ जो हैं, तो ये जो जितने भी दवाइयों के लिस्ट अभी मैंने बताए हैं वो सारे सेफ़ हैं, वो सारे आप प्रेगनेंसी के टाइम में अगर आपको प्रेस्क्राइब किया जाता है, अगर आपको कोई बोलता है, अगर वैसी दिक्कत है तो डॉक्टर अगर आपको कहते हैं तो वो आप खा सकते हैं, वो आपके लिए सेफ़ हैं। डॉक्टर तो मैक्सिमम जो हैं वो सेफ़ दवाइयाँ जो होती हैं आपके लिए वही प्रेस्क्राइब करेंगे, लेकिन फिर भी अगर आपके नॉलेज में रहेगा कि ये सारी मेडिसिन सेफ़ हैं और ये सारी अनसेफ़ हैं, ठीक है, तो आप जो हैं ध्यान दे लेंगे। तो अभी हम लोगों ने जितनी दवाइयों के नाम जाने हैं वो सारे सेफ़ हैं। अब हम लोग ऐसे दवाइयों के नाम जानेंगे जो कि सुरक्षित नहीं हैं, अनसेफ़ हैं, कॉन्ट्राइंडिकेटेड हैं। तो उसमें पहला है टेट्रासाइक्लिन, दूसरा डॉक्सीसाइक्लिन, तीसरा सिप्रोफ्लॉक्सासिन, उसके बाद क्या है ट्रियमथोप्रीम, ठीक है। ट्रियमथोप्रीम जो है फर्स्ट ट्रेमेस्टर में एकदम नहीं, अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। फिर हमारा उसके बाद है NSAIDs, नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, ठीक है, थर्ड ट्रेमेस्टर में नहीं खाना चाहिए। उसके बाद ACE इन्हीबिटर्स, ठीक है, ARA, माइकोफिनोलेट, वारफारिन, MMR वैक्सीन, BCG वैक्सीन, वेरिसेला वैक्सीन, यानी बहुत सारी वैक्सीन्स ऐसी होती हैं जिन्हें अवॉइड करना चाहिए प्रेगनेंसी के टाइम में, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, एकदम नो, ठीक है। तो इसमें कुछ एंटीबायोटिक्स हैं, कुछ वैक्सीन्स हैं, कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं, तो आपको उन सबको अवॉइड करना है, एकदम प्रेगनेंसी के टाइम में नो कहना है, एकदम खाना ही नहीं है। क्योंकि अगर आप प्रेगनेंसी सेफ़ प्रेगनेंसी अगर आप चाहते हैं, सेफ डिलीवरी हो बच्चों का, ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि सही बच्चे, हेल्दी बच्चे ग्रो हों, डिलीवर हूँ, तो आपको जो है इनमें जितनी दवाइयों के नाम अभी मैंने बताए हैं कॉन्ट्राइंडिकेटेड वाले, नीचे वाले, वो सब आपको नो, एकदम नहीं खाना है। और जो मैंने पहले बताए वो सब सेफ़ हैं, अगर आपको प्रेस्क्राइब किया जाता है, अगर उससे जुड़ रही अगर आपको दिक्कतें हैं तो आप जो है उसे खा सकते हैं। तो मेनली ये छोटा सा वीडियो मेनली आप लोग को जागरूक करने के लिए था कि आप लोग जो हैं कुछ ऐसी दवाइयाँ खा लेते हैं जो कि सेफ़ नहीं होता है प्रेगनेंसी के टाइम में, और उसके चलते मिसकैरेज हो सकता है, मिसकैरेज होगा या फिर कुछ अदर कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं बच्चों को, हो सकती हैं आपके बच्चे को या फिर आपको, तो आपको जो है एकदम ही केयरफुल होना होगा, ठीक है। तो इसी तरह से अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हुई होगी। तो इसी तरह से थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। और अगर वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल हुई होगी और अच्छी लगी होगी अगर आपको वीडियो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि और सभी महिलाओं को भी हेल्प मिले। और
कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है, कि वीडियो कैसी लगी, हेल्पफुल हुई या नहीं हुई आपके लिए। और अगर कोई नई टॉपिक पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड बाय, टेक केयर।